तो देखिए दोस्तों, हम बिहारी स्टाइल में हम भुजिया बनाने जा रहे हैं। तो ये भुजिया के लिए हम कच्चा चावल नहीं ले रहे हैं, ये पक्का पानी के चावल है। तो आप चावल के कलर देख लीजिए कैसा है, ये एकदम चावल मोटा में है, मोटा मोटा है। तो हम इसी चावल को हम भुजिया बनाएंगे, इसके भुजिया बहुत अच्छा बनता है। तो ये चावल के हम ये प्लेट में रख के, तो एक कटोरी हमारा चावल है, हमारा घर में थोड़ा फैमिली ज़्यादा है इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाएंगे। और जब भी हमको मन करता है खाने को तो हम इसी तरह हम बनाते हैं। तो इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, तो इतना हम नमक डाल के और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक चम्मच के अंदाज़ से हम पानी डाल के। और फिर इसको देखिए, हम ये चावल को इसी तरह हम मिला के हम एक जगह करके ऐसा हम दाब देंगे। उसको हम इस तरह हम 5 से 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। फिर हम पोहा का हम आपको बताएंगे। देखिए, हम जो कटोरी से हमने कच्चा चावल लिए थे उसी कटोरी से हम पोहा ले रहे हैं। आप पोहा बोल सकते हैं या चिवड़ा बोल सकते हैं, ये कच्चा चिवड़ा है। तो हम ये 2 कटोरी लेंगे, उससे हम डबल लेंगे। तो देखिए हमारा, हम 2 कटोरी से थोड़ा कम में ले रहे हैं। तो हम सबके रख के हम भूज, चलिए हम अब गैस की तरफ बढ़ते हैं भुनने के लिए। तो देखिए, हम कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं। कढ़ाई हमारा लोहा का है, स्टील का कढ़ाई भी ले सकते हैं। ऐसा हम तवा हुआ पर ऐसा नहीं भुनेंगे, हम कढ़ाई में भुनेंगे। तो कढ़ाई में हम कैसे, अभी गांव वाले लोग ऐसे बालू में भूनते हैं, हम नमक में भुनेंगे। तो नमक हम ले रहे हैं 1 कटोरी, इसी में हम डाल देंगे और फिर इनको अच्छे से गर्म कर लेंगे। हम ऐसे इनको चला चला के एकदम से अच्छे से पूरे गर्म कर लेंगे। उसके बाद में हम पहले कच्चा चिवड़ा के भून लेंगे, उसके बाद में हम ये चावल के भुनेंगे। और आपको अगर ये पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो देखिए, हमारा नमक पूरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इसमें पोहा एक बार में नहीं भुनेंगे, 2 बार 3 बार करके भुनेंगे, थोड़ा थोड़ा भुनेंगे। तो हम पहले मुट्ठा में हमारा जितना आ रहा है उतना ही हम डालेंगे। तो देखिए, एक मुट्ठा हम पहले डाल रहे हैं और एक थोड़ा सा भी बिगर रोके हम भूनते रहेंगे। आप चाहे तो तेल में भी भून सकते हैं। अगर आपका पोहा जल रहा हो तो उसको गैस को कम कर दीजिए। और देखिए, लाइट कलर में देंगे हम। निकाल लिए हैं, ये इसके नीचे हम तवा रखे हैं ये नमक निकालने के लिए। ये गालनी में हम छान लिए हैं, अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए, हमारा चिवड़ा के कलर एकदम काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और फिर हम ये आपस इसमें डाल देंगे। अभी दूसरे हम बर्तन में ये भुजे को निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा ये भुजा तैयार है। हम इसी तरह इसको चिवड़े को हम भून लेंगे। तो चलिए, हम इसको साइड में करके फिर उस। तो देखिए दोस्तों, हम ये पोहा के चिवड़े के भूज के हम तैयार कर लिए हैं। कलर भी आप देख सकते हैं। देखिए, एकदम चिवड़े को एकदम हम क्रंची में भुने हैं। जब तक हम ये इसको ठंडे होने देंगे, जब तक हम चावल को जो हम रखे थे वो चावल को हम भून लेंगे। तो देखिए, हम चावल के भूजे के लिए हम नमक को जो हम रखे हैं उसको अच्छे से हम एकदम गर्म होने देंगे। धुआं निकलने तक ले हम गर्म करेंगे, तब देखिएगा कि वो चावल जाते जाते ऐसा कैसे एकदम मुरमुरे की तरह ये फूटना चालू हो जाएंगे। ये देखिए, हम और बराबर इसे हम भूनते रहेंगे। वो चिवड़े को तो भुजे के हम नॉर्मल गरम किए थे ये नमक, लेकिन इसके एकदम हाई फ्लेम पर और हाई गेयर गरम किए हैं। कैसा ये फूल रहा है और फूट भी रहा है। फिर घर पे आपको अगर करे खाने को तो आप बाज़ार से पक्का पानी चावल जाकर खरीद कर लाइए, पक्का चावल, और उसको घर में इसे नमक से भून लीजिए और कुछ मसाले डाल के बना के आप खा सकते हैं। तो हम ये निकाल लेंगे, अब हमारा तैयार है। ये देखिए, हम गालनी में हम छान लिए हमारा भुजा। आप देख सकते हैं पूरे के जैसा ऐसा फूल फूल के ऐसा तैयार हो गया है। वाइट कलर में एकदम क्रंची भुजा एकदम तैयार है हमारा। अभी इसके साथ में हम थोड़ा चप बना लेंगे आलू के। तो चलिए, तो जब तक ये ठंडा होने देंगे। तो देखिए, दोनों भुजे के हम तैयार कर लिए हैं। इस अभी ये गर्म है तो हम ठंडे होने देंगे
तो देखिए हम आलू के चप बनाने के लिए हम आलू ले लिए हैं। आलू के हम पहले से उबाल के और ये छिलके निकाल लिए थे। है हमारा आलू भी एकदम ठंडा हो चुका है, तो इसको हम बारीक कर लेंगे। तो हाथों से हम बारीक करेंगे। तो देखिए हम बारीक करके इसमें कुछ और मसाला डालेंगे। ये चप भी बहुत टेस्टिंग लगता है। तो देखिए हम पहले इसको बारीक कर लेंगे, और बारीक करने के बाद में फिर हम मसाला जो भी है वो हम डाल देंगे। और फिर हम आप चाहे तो बेसन के साथ में एक घोल बना लीजिए। अगर बेसन के घोल में नहीं बनाएंगे तो ऐसा सूखा ही सिर्फ पाउडर मिर्ची पाउडर हल्दी डाल के ये बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अदरक का लहसुन के पेस्ट डालेंगे। ये पहले से हम तैयार करके रखे हैं। और दूसरे हम डालेंगे, ये देखिए हम प्याज इतना सारा डालेंगे। प्याज हमारा बड़ी साइज में एक ही लिए हैं, लेकिन इसको बारीक हम काट लिए हैं। तो ये सबको हम डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता, हम धनिया पत्ता इतना डालेंगे। और इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे। ये लाल मिर्ची की पाउडर है, कश्मीरी है, तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधे चम्मच हम डालेंगे। हमारे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पाउडर है, तो हम इसमें भी आधे हम चम्मच डालेंगे। ये थोड़ा सा काली मिर्च हम डालेंगे। तो देखिए हम नमक हाथ से इसलिए हम डाल रहे हैं कि हमारा अंजाद अच्छा रहे। डालने के बाद में हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हम इतना डालेंगे, एक चम्मच के अंदाज़ से डालेंगे। हमारा हाथ थोड़ा सा ये है, इसीलिए हम मसलेंगे नहीं, इसी तरह हम डाल देंगे। ये इसके डालने से अच्छी फ्लेवर आती है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के चिकना कर लेंगे। तेल हम एक चम्मच हम डालेंगे, और फिर हम इसको इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। और गैस स्टार्ट करने से पहले हम इसको हम थोड़ा थोड़ा गोल लोई काट के हम निकाल लेंगे, और हाथ पर थोड़ी चौड़ी कर लेंगे। तो फिर अब चलिए हम ये बना ले। पहले थोड़ा सा हाथ में हम तेल लगा लेंगे। ये थोड़ा सा हाथ में तेल लगाने के बाद में हाथ में सड़ती नहीं है, इसलिए हम ऐसा हम निकाल लेंगे। अब जैसा साइज में लेना चाहते हैं, बड़ी छोटी उस साइज में आप ले सकते हैं। तो देखिए हम ये इसको ऐसा हम गोल गोल करके हम एक प्लेट में अलग रख देंगे। तो देखिए हम ऐसा बनाएंगे। तो सबको इसी तरह हम बना के तैयार कर लेंगे। और फिर कैसे हम कम एकदम कम तेल में हम इसको तलेंगे, हम ज़्यादा तेल में नहीं तलेंगे। तेल तो हानिकारक रहता है दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, ये सरसों के तेल में अगर तले तो और एकदम काफ़ी टेस्टिंग लगता है। तो लेकिन हमारे पास तो सरसों के तेल नहीं है, तो हम रिफाइन में तल लेंगे। तो देखिए ऐसा गोल हाथ पर गोल कर लीजिए, और फिर थोड़ी सा दाब दीजिए, चौड़ी कर दीजिए, और फिर बना लीजिए। तो देखिए चप को हम पूरे बना के तैयार कर दिए हैं, ये रेडी है। अब इसके बारी आया कि हम एक एक करके हम सबको तल लें। चलिए हम गैस स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म होने देंगे, एक से दो सेकंड हम गर्म होने देंगे। उसके बाद में वो तेल हम डालेंगे। तेल को हम थोड़ा गर्म करने के बाद में फिर हम एक एक, तो देखिए हम तेल को हम डालेंगे। तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो थोड़ा कम में भी आप कर इसको तल सकते हैं। ये हमारा तेल अभी थोड़ा गर्म होने देंगे, और दो से तीन सेकेंड और गर्म होने देंगे, उसके बाद में हम डालेंगे। तो देखिए हमारा तेल तो गर्म हो चुका है। अब हम इसको एक एक करके हम डाल देंगे। अगर आप हम थोड़ा ज़्यादा ही तेल हो गया है तो हम ऐसे तल लेंगे, इसमें दो चार करके हम डालेंगे। हम इसमें नहीं बेसन के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं चावल के आटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिर्फ आलू से बना रहे हैं। तो देखिए हम इसको दो चार करके डाल देंगे। आलू से बना रहे हैं तो टूटने का थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए ध्यान से निकालिएगा, पलटिएगा। तो हमारा देखिए हम उतनी सा तेल में हम सबको तल लेंगे, इतने ही तेल में हम सबको तल लेंगे। तो देखिए वो उतना सा तेल बचा है, उसी तेल में हम इसको भी बना लेंगे। ज़्यादा तेल में रखने से वो थोड़ा बिखर भी जाती है, इसीलिए हम इतने ही तेल में हम बना लेंगे। अगर आप तवा पर चाहे तो तवा पर बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, हम पहले तो हम ज़्यादा तेल डाल दिए थे, अभी हम कम तेल में बना रहे। तो देखिए नहीं थोड़ा सा टूट रहा है, नहीं फूट रहा है, कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छा से बन रहा है। और इसका कलर भी शेप भी एकदम बढ़िया है। तो देखिए हमारा एक तरफ से पक गया है, हम दूसरे तरफ भी पका लिए हैं। अब हम आपको पलट के दिखा रहे हैं।
कि दूसरी तरफ हमारा पक्का है कि नहीं। तो दूसरी तरफ भी हमारा तैयार है, थोड़ा सा हम और पकाएंगे और निकाल लेंगे। अभी एकदम तवा पर बनाइएगा, नहीं तो कढ़ाई में अगर आपको जिस चीज़ में आसान लगे उसी में बनाइए, लेकिन एकदम कम तेल में बनाइएगा, ज़्यादा तेल नहीं रखिएगा। तो देखिए हम पूरे चप को बना के तैयार कर चुके हैं, हमारा एकदम रेडी है। अब बारी आए भुजा बनाने को। भुजा में हम कुछ मसाले डालेंगे, फिर वो देख लीजिएगा। तो चावल के भुजा को हम साफ करके हम रख लिए हैं, अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कटी हुई मिर्ची, हरा मिर्ची डालेंगे, और इसमें थोड़ा हम मसाला डालेंगे। ये मसाले में काली मिर्च के पाउडर है वो थोड़ी सा हम डालेंगे, और हल्दी पाउडर डाल देंगे, और थोड़ी से लाल मिर्ची कश्मीरी है वो डाल देंगे। थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे, अगर आपका घर में सरसों का तेल है सरसों का तेल डाल लीजिए, नहीं है तो हम रिफाइन के तेल डाल रहे हैं। ये नमक में हम काला नमक ले रहे हैं, ये सबको हम इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें दूसरे कुछ आप डाल सकते हैं, चिवड़ा वगैरह ये सब डाल सकते हैं, और एक बार बना के जरूर टेस्ट कीजिएगा, बहुत टेस्टिंग लगता है। तो इसमें हम थोड़ा सा चिवड़ा डालेंगे। तो देखिए हम थोड़ा सा मिक्सचर डाले हैं, और ये डाल के भी हम मिक्स कर लेंगे। ये चिवड़े का ये भुजे का हम दूसरे प्लेट में निकाल देंगे। फिर हम पोहा के चिवड़ा बनाए हैं उसको हम तैयार कर लेंगे इसी तरह। इसमें भी हम वही मसाला डालेंगे जो हम पहले चावल के भुजे में हम डाले थे, वही डालेंगे। लाल मिर्ची आप जितने चाहे उतना ही ले सकते हैं, काले मिर्च है, ये हल्दी पाउडर, बस मसाला में हम यही डालेंगे। ये धनिया के पत्ता, ये लहसुन के पेस्ट, ये प्याज, ये सब डालने के बाद में हम थोड़ा नमक डालेंगे और यह तेल डालेंगे। घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। हम दोनों भुजिए का तैयार कर लिए हैं। हमारा कलर थोड़ा कम दिख रहा है तो हम थोड़ा और हल्दी पाउडर डालेंगे। ये देखिए ये हम थोड़ा सा एकदम सबको इसमें हम सजा लेंगे। ये दोस्तों हम भुजिया बना के तैयार कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, दोस्त के साथ में, फैमिली के साथ में हमारा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।